Hey guys, welcome back to my channel and you are watching The Beauty Secret. Guys, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक विंटर नाइट क्रीम शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग क्रीम है गाइज। इस क्रीम को हर एज हर स्किन टाइप के लोग इजीली यूज कर सकते हैं। गाइज ये क्रीम इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो विंटर में होने वाली जो आपकी स्किन प्रॉब्लम्स हैं जैसे स्किन ड्राइनेस, स्किन का रूखा होना, फ्रेकल्स की प्रॉब्लम या जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको विंटर सीजन में होती है वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स ये क्रीम लगाने से दूर हो जाएंगी। तो गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। आज जो क्रीम हम बनाने वाले हैं उसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट है जिसको आप किंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हैं वो है मसूर की दाल। मसूर की दाल हम 2 चम्मच यहाँ पर यूज करेंगे। जो पिंक सी मसूर की दाल होती है उसको लेना है आपको और इसमें डाल देना है। अब इस मसूर की दाल को अच्छे से धो के 10-12 घंटे के लिए भिगा कर रख देना है। जब ये अच्छे से भीग जाएगा तो हम इसका बना लेंगे अच्छा सा फाइन सा पेस्ट। पेस्ट आपको गाइस जितना हो सके उतना फाइन बनाना है। अब जब इसका पेस्ट बनकर रेडी हो जाए तो हम इसको किसी भी स्ट्रेनर की हेल्प से इसको छान लेना है। आप चाहें तो इसको किसी कपड़े की हेल्प से भी छान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप आराम से इसको छान लीजिए, इसका क्रीमी फॉर्म निकाल कर सेपरेट कर लीजिए। दूसरा इंग्रेडिएंट हम जो यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है चावल का आटा। चावल गाइस आपने हमेशा सुना होगा कोरियन स्किन टाइप, कोरियंस होते हैं वो अपनी स्किन रूटीन्स में चावल को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, चाहे वो हेयर केयर के लिए हो या आपकी स्किन केयर के लिए हो, वो चावल का यूज करते हैं। तो चावल को आपको 1 चम्मच यहाँ पे ऐड करना है। चावल का आटा आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, ये आपकी स्किन को लाइटन अप और ब्राइटन अप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसमें हम ऐड करने वाले हैं 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के यूज तो बहुत ही अमेजिंग होते हैं आपके बालों और स्किन के लिए, वो आप अच्छे से जानते हैं गाइस। मैं यहाँ पर रेडीमेड एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ, मार्केट वाला। आपको भी मार्केट वाला एलोवेरा जेल ही यूज करना है, बट मेक श्योर कि वो ओरिजिनल होना चाहिए। हम इसमें 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर लेंगे। और जो इसमें चौथी चीज हम ऐड करेंगे वो है विटामिन ई। हम यहाँ पर विटामिन ई की 2 कैप्सूल्स इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर आपको विटामिन ई आपके पास अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास आमंड ऑयल अवेलेबल है तो 1/2 चम्मच आप इसमें आमंड ऑयल ऐड कर लीजिए। आमंड ऑयल भी आपकी स्किन को बहुत अच्छे से काम करता है गाइस। ये आपकी रिंकल्स जो होते हैं, रिंकल्स को आने से रोकता है, आपकी स्किन पे एक्स्ट्रा शाइन ऐड करता है। ये सारे जितने भी इंग्रेडिएंट मैं इसमें यूज कर रही हूँ वो स्किन के लिए अमेजिंगली काम करते हैं। तो आप इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा गाइस। देखिए ये एकदम क्रीमी फॉर्म में आपको मिल जाएगा। सो गाइस ये देखिए हमारी क्रीम बनकर रेडी हो गई है। ये क्रीम आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लीजिए और 1 हफ्ते के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। इस क्रीम को आपको फ्रिज में स्टोर करके रखना है और रात में आपको इसको यूज करना है। इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। रात में सोने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। फेस पर कोई भी मेकअप कुछ नहीं होना चाहिए, वैसे भी सोने से पहले आपके फेस पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी सी क्रीम आप लीजिएगा और अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। और आपको इसको वॉश नहीं करना है, ऐसे ही सो जाना है। मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि आपको अपना हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करने के बाद आपका हाथ जब हल्का सा वेट रहेगा तो वेट हैंड से अपने फेस को हल्के से मसाज करते हुए इस क्रीम को रिमूव करना है। गाइस जब आप रिमूव करेंगे इसको तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे से एक लेयर सी निकलेगी, जो कि आपकी डेड स्किन की लेयर होगी वो रिमूव हो जाएगी। 1-2 दिन यूज करने के बाद इसको आपको अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा गाइस। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन पर एक एक्स्ट्रा शाइन ऐड हो गई है, एक्स्ट्रा ग्लो आ गया है। ज़्यादा एज के लोग जो हो जाते हैं उनको रिंकल्स की जो प्रॉब्लम होती है, इस क्रीम को लगाने से आपके रिंकल्स की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। गाइस इस क्रीम को आप अपने आईज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आईज पे जो आपके रिंकल्स आ जाते हैं मेकअप करने पे, वो श्रिंकी नज़र आते हैं, ये प्रॉब्लम भी इस क्रीम को यूज करने से दूर हो जाएगी। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। नहीं किया है तो आप कर दीजिए। I will meet you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy, look gorgeous. Bye-bye.